आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने अब महाकुंभ कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियां तेज कर दी है। 25 सितंबर को जम्बूरी मैदान में यह कार्यकर्ता महाकुंभ होने जा रहा है। सीएम शिवराज आज तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें उनके साथ नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ में मंत्र देंगे। तो 25 सितंबर बेहद ही खास होने वाला है। जम्बूरी मैदान में पूरा कार्यकर्ता महाकुंभ रखा गया है। बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। और आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ उनके नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात बहनों को दी है। जी हां, संस्कार धानी से ऐलान किया है, घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कि 21 साल से अधिक अविवाहित बहनों को भी अब लाडली बहना योजना का लाभ मिल सकेगा। ऐसी बहनें जो 21 साल से अधिक हैं, जिन्होंने विवाह नहीं किया है, ऐसी बहनें लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र हैं। उनका नाम भी लाडली बहना योजना में जोड़ा जाएगा। तो यह बड़ी खुशखबरी उन बहनों के लिए जो अविवाहित हैं, अब उनको भी लाडली बहना योजना का लाभ मिल सकेगा। 21 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए, 21 साल से अधिक उम्र वाली महिलाएं जो है पात्र होंगी। संस्कारधानी से कर रहा हूं, अविवाहित हमारी कई बहनें हैं जिनने विवाह नहीं किया, उनका नाम नहीं जुड़ा था, अब उनका नाम भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। आज भोपाल में राइजिंग मध्य प्रदेश के महामंच पर दिग्गजों का महाजुटान होने जा रहा है। सियासत से लेकर सिने सितारों से राइजिंग का मंच सजेगा, जहां दिग्गजों से प्रदेश की बेहतरी और विकास के साथ कई मसलों पर चर्चा होगी। जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे भी होंगे, साथ ही प्रदेश और देश के विकास के रोड मैप पर भी बेबाकी से बात होगी। प्रगति पथ पर किस तरह मध्य प्रदेश पकड़ रहा है रफ्तार, जन जन को मिल रहे हैं अधिकार और सपने हो रहे हैं साकार। संवाद का महामंच, जहां सरकार, विपक्ष और विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज होंगे एक साथ और जरूरी मुद्दों पर होगा मंथन। राइजिंग मध्य प्रदेश 2023, प्रगति पथ पर किस तरह मध्य प्रदेश पकड़ रहा है रफ्तार, जन जन को मिल रहे हैं अधिकार और सपने हो रहे हैं साकार। संवाद का महामंच, जहां सरकार। और मौके से हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मंच तैयार हो चुका है, दिग्गज इसमें जुटने वाले हैं। कौन कौन से दिग्गज आखिर जुटेंगे और विकास पथ की गाथा पर आज चर्चा होगी? देखिए बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा कि तमाम जो दिग्गज हैं वो आज न्यूज 18 के कार्यक्रम के मंच पर, यानी जो राइजिंग एमपी के मंच पर जुटने वाले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा पीसीसी चीफ कमलनाथ, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जो है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अगर संगठन के लिहाज से अगर मैं बात करता हूं तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले। चूंकि चुनाव का साल है, ऐसे में राजनीतिक हलकों से तमाम जो लोग जुड़ेंगे। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, जो केंद्र में मंत्री भी और मध्य प्रदेश से आते हैं, वो यहां पर मौजूद रहेंगे और चुनाव अभियान को लेकर किस तरीके से बीजेपी की रणनीति है उस सबको लेकर चर्चा करेंगे। वहीं अगर कांग्रेस की तरफ से बात करूं तो रणदीप सुरजेवाला जो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी है वो यहां पर मौजूद रहेंगे। अगर इसके साथ ही जो तमाम जो और जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। तैयारियां किस तरह की है ये हम आपको बता देते हैं। हम इस वक्त कार्यक्रम के मुख्य द्वार पर मौजूद है और यहां से आप देखिए स्वागत की जो तैयारियां जो है वो की गई है कि जब लोग यहां पहुंचे तो बाकायदा एक कॉरिडोर बनाया गया जिसमें एलईडी लगाई गई है, जिस पर मध्य प्रदेश के विकास की गाथाओं के साथ साथ न्यूज 18 के जो प्रमुख कार्यक्रम है उनको प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको भी इस पर स्थान दिया गया, चाहे वह सांची के स्तूप हो या फिर अभी हाल ही में आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा लगी है उनकी अब की बात हो। इसके बाद जब जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे अगर कार्यक्रम स्थल की तरफ तो देखिए यहां पर एक रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा एक काउंटर बनाया गया, यानी जो लोग भी यहां पहुंच रहे हैं उनका बाकायदा विधिवत रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा कि कौन लोग हैं और किस संस्था से वो यहां पहुंचे हैं। और उसके बाद जब अब यहां से रजिस्ट्रेशन होगा
रजिस्ट्रेशन के बाद फिर वो अंदर की तरफ जाएंगे। देखिए ये जो एक यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे करके वो लोग अंदर पहुँचेंगे। अगर बात करूँ तो केवल आज न केवल राजनीतिक हस्तियाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही हैं बल्कि फिल्म जगत से जुड़ी भी हस्तियाँ इस कार्यक्रम में शामिल होगी। इसके साथ ही धार्मिक जो लोग हैं वो भी शामिल होंगे, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है प्रदीप मिश्रा का, जो एक मध्य प्रदेश के लिहाज से कहें या देश के लिहाज से बड़े कथावाचक माने जाते हैं। शिव पुराण के लिए वो पूरे भारत में जाने जाते हैं, लगातार वो अलग अलग इलाकों में जाकर शिव पुराण कर सकते हैं। तो देखिए अब ये जो है वो ये प्रमुख जो है ये हॉल है जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आप इसकी भव्यता को समझ सकते हैं कि कितना भव्य ये कार्यक्रम होने वाला है। तमाम जो सहयोगी हैं हमारे वो अंतिम रूप जो है वो देने में जुटे हुए हैं ताकि अब से कुछ देर बाद कार्यक्रम शुरू हो सके। तो तमाम जो तैयारियां जो हैं वो न्यूज 18 की टीम की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। अब इंतजार है बस कुछ ही वक्त का कि जब हमारे अतिथि जो है वो यहाँ पहुँचेंगे और उनके साथ हम जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जनता के जो सरोकार की जो बातें हैं, सरकार ने उनके लिए क्या किया, विपक्ष किस तरीके से उनके मुद्दे उठा रहा है या आने वाले समय के लिए उनका क्या रोड मैप है, इस सब को लेकर विस्तृत चर्चा जो है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से होने वाली है। जी शैलेंद्र, शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मध्य प्रदेश लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। हम ये माने कि जो आज मंच तैयार किया गया है, जो उपलब्धियां हैं वो सत्ता पक्ष बताएगा और साथ ही साथ विपक्ष सारे सवालों का जवाब भी देगा। जब बीमारू राज्य था और बहुत ज्यादा तकलीफें थी, बिजली नहीं हुआ करती थी, पानी नहीं हुआ करता था और आम जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस तरह का पिछले 18 सालों में काम किया, जो बीमारू राज्य मध्य प्रदेश जिसको माना जाता था उसको अब एक विकास की एक इबारत लिखता हुआ नया मध्य प्रदेश दिख रहा है। तो ऐसे में आखिर क्या प्रमुख काम जो है वो सरकार के द्वारा किए गए, ये सरकार के तमाम जो प्रतिनिधि जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनसे जाना जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे। डबल इंजन की सरकार जिसके विकास की बात जो है वो बीजेपी करती है, डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में किस तरीके से विकास किया है तो केंद्रीय नेताओं से पूछा जाएगा। इसके साथ ही जो किस तरीके से विकास हुए वो तो ठीक है, लेकिन प्रमुख विपक्ष के तौर पर यहाँ कांग्रेस है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ और चुनाव के जो प्रभारी है रणदीप सुरजेवाला वो जब यहाँ मौजूद रहेंगे तो उनसे ये भी जाना जाएगा कि विपक्ष होने के नाते जनता के कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको आपने बेबाकी से उठाया और 15 महीने की आपकी सरकार रही उस दौरान आपने क्या किया। चूंकि चुनाव का साल है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इस साल के आखिरी में चुनाव होने, तो ऐसे में चुनाव को लेकर दोनों ही दलों की रणनीति क्या है। रणनीति केवल चुनाव जीतने की नहीं, रणनीति जनता के विकास की, आखिर जिस जो जनता उनको चुनती है, जो उनको वोट देती है, उसके विकास को लेकर उनके पास क्या रोड मैप है ये जरूर उनसे जाना जाएगा। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो अब पूरी हो गई हैं, बस वक्त है, थोड़ा सा इंतजार और रहेगा दर्शकों को, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उस सब का एक एक करके जो यहाँ लोग पहुंचेंगे, जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, उनसे जवाब लिया जाएगा। जी शैलेंद्र, ये तो बात हुई राजनीति की, राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत होगी, सारे दिग्गज यहाँ पर जुटेंगे। अगर हम एक तरफ यहाँ पर फिल्म जगत की बात करें तो ये भी बड़ा मौका होगा, जब बड़े स्टार्स यहाँ पर पहुंचेंगे तो हम ये भी माने जिस मुद्दे पर लंबे वक्त से हम बहस देख रहे हैं कहीं ना कहीं बॉलीवुड में, धर्म को लेकर राजनीति होना, धर्म को लेकर बयानबाजी होना और या तो कुछ ऐसी चीजें शामिल कर देना पिक्चरों में जिससे विवाद बढ़ता जाए, क्या इस पर भी हमें यहां पर बहस, यहां पर बातचीत कर देखने को मिलेगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो फातिमा शना शेख जो दंगल गर्ल के नाम से मशहूर हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी, तो उनसे सवाल भी किए जाएंगे कि आखिर किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्रीज काम करती है और क्यों इस तरह की चीजें जब सामने लाई जाती है जिसको लेकर सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, राजा सांडली जिनको जो कई फिल्मों के डायरेक्टर और राइटर है वो यहाँ पर रहेंगे, तो आखिर एक राइटर क्या सोच के खबर जो वो लिखता है, स्क्रिप्ट लिखता है और डायरेक्टर किस तरीके से उसको डायरेक्शन करता है, तो उसको लेकर किस तरह से विवाद ना हो, इस तरह से कैसी फिल्में बनाई जाए, इसको लेकर बात होगी। और दूसरी आपने बात कही सनातन का मुद्दा इस समय पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में लगातार गूंज रहा है। तो ऐसे में जब पंडित प्रदीप मिश्रा न्यूज 18 के मंच पर होंगे, पंडोकर सरकार न्यूज 18 के मंच पर होंगे, तो उनसे भी ये सवाल किया जाएगा कि सनातन की ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए या कुछ लोग इसको इस तरह से बदनाम ना कर सकें उसको लेकर क्या उनकी मंशा है या क्या वो आने वाले समय में कर सकते हैं। तो तमाम जो मुद्दे हैं उन सबको लेकर विस्तृत चर्चा जो है आज दिन भर
न्यूज 18 के इस महामंच पर रहने वाली है। जी बस कुछ ही समय बचा है और ये सिलसिला शुरू भी हो जाएगा। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे और आखिर दिग्गज जो जुटते हैं वो आखिर क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे, बेबाकी से जो सवाल किए जाएंगे उनका क्या जवाब होगा वो भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मनेन्द्रगढ़ की बात करते हैं। लगातार यहां पर बारिश से हाल बेहाल हो चुके हैं, नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, आम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित है। उधर नदी नालों में आफत का पानी भरने से स्कूल जाने वाले बच्चों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरें देखिए मनेन्द्रगढ़ के फुनगा माध्यमिक शाला की हैं, जहां स्कूल जाने के लिए बच्चे बीते कई दिनों से इसी तरह उफनते नदी नालों को पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। तो वहीं मुंगेली में भी हाल बेहाल है, जहां शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की टीम ने सरगांव इलाके में कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। तो वहीं बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए कलेक्टर ने राहत कैंपों में लोगों के रुकने के बेहतर व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश भी अफसरों को दे दिए हैं। तो वहीं कई जगह शिवनाथ नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, प्रशासन ने लोगों को नदी में नहीं जाने की सलाह। इधर भारी बारिश और नदी के पानी में कई गांव जहां टापू बन गए, तो वहीं बाढ़ के पानी में किसानों की फसलें भी डूब चुकी हैं। बलौदाबाजार में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं, भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसे लेकर ये भी आपको बता दें कि जिले से होकर बहने वाली नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। आज नाला पार करने के वक्त किताबों से भरा एक ट्रक बह गया। हादसा बलौदाबाजार जिले के पलारी क्षेत्र में हुआ, जहां कोवाडी लटेरा नाला पार करते समय ट्रक नाले में बह गया। इस ट्रक में स्कूली छात्रों के लिए किताबें भरकर राजनांदगांव की तरफ ले जाई जा रही थी। इस हादसे में लाखों रुपए के किताब पानी में भीग गए। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी इंसान को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बलरामपुर की बात करते हैं, जहां मूसलाधार बारिश के चलते जिले की कनहर नदी में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। आलम यह है कि बाढ़ का पानी अब एनीकट के ऊपर से होकर निकलने लगा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा के बीच से होकर बहने वाले कनहर नदी हर साल बरसात में उफान पर होती है, जिससे दोनों तरफ के राज्यों के दर्जनों गांवों का संपर्क अपने अपने जिला मुख्यालयों से टूट जाता है। ये तस्वीरें, आफत का पानी जो है लगातार आ रहा है और खतरे के निशान पर कनहर नदी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है। अब जनजीवन कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। गांवों का संपर्क जो है मुख्यालयों से टूट चुका है और लोगों के घरों तक में पानी भर चुका है। कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में कुछ दिन तक और बारिश होने के आसार भी मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताए जा रहे हैं। मुंगेली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मनियारी और शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सरगांव इलाके में बाढ़ में फंसे 28 और पत्थलगड़ी में फंसे 3 परिवारों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इन सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर स्कूल और कॉलेज भवन में रुकवाया गया, जहाँ पहुंचकर कलेक्टर राहुल देव ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें रहने खाने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ये मुंगेली की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर बाढ़ से हाल बेहाल हो चुके हैं और कई सारे परिवार जो हैं बाढ़ की वजह से फंस गए, जिनका रेस्क्यू भी किया गया है, सुरक्षित जगह पर उन्हें पहुंचाया गया है और भी लगातार रेस्क्यू जो है टीम के द्वारा किया जा रहा है।
खंडवा के खालवा और पिपलौद क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई, जहां पर लोगों ने कहा ऐसा लग रहा है जैसे बादल फट गए हों। तेज बारिश ने किसानों की उम्मीदों को बहा दिया। तेज बारिश की वजह से पानी खेतों से फसलों को बहा ले गया। पांगरा, खार, पोखर, राजनी सहित अन्य क्षेत्रों में तेज बारिश से नुकसान हुआ है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि 50 साल में पहली बार ऐसी बारिश देखी है जो चंद घंटों में ही सब कुछ बहा कर ले गई। बारिश से आवागमन के कई रास्ते बाधित हुए। खंडवा को हरसूद से जोड़ने वाला मार्ग यातायात से प्रभावित रहा। अरे पूरा साफ। हमारे गांव में सुबह 3 बजे रात से इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि पिछले 50 साल से ये बारिश हमारे भाई साहब ने भी नहीं देखी और ये दादा बोल रहे हैं कि हमने भी नहीं देखी। तो वहीं आगर मालवा में भारी बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। पहले जहां बारिश नहीं होने से सोयाबीन की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई थी, तो वहीं अब देरी से हुई बारिश ने किसानों के सामने नई आफत पैदा कर दी है। खेत में खड़ी सोयाबीन फली में दोबारा फलन की स्थिति बनने लगी है। फसल कटाई के बाद किसानों को खासी निराशा भी हो रही है। क्षेत्र में फसल की पैदावार इतनी प्रभावित हो चुकी है कि फसल का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा, जिससे अन्नदाता खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो बारिश ने कहीं ना कहीं उमस से राहत तो दी है, पर कहीं ना कहीं किसानों के लिए मुसीबत बनकर ये बारिश आई है। इंतजार तो किया जा रहा था किसानों द्वारा कि अच्छी बारिश पड़े, हमारी फसलें अच्छी हो, पर इतनी ज्यादा बारिश पड़ गई कि किसानों की फसलें बह गई, फसलें खराब हो रही हैं और कहीं ना कहीं अरमानों पर किसानों के पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अब चिंतित है किसान कि आखिर कैसे काम चलेगा। तो सोयाबीन की फली में भी अंकुर निकलने लगे हैं फसल कटाई के बाद। अब किसान कहीं ना कहीं निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। फसल का जो सही लागत है, उसका सही मूल्य जो है, वो नहीं मिल पा रहा और फसल बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी है। सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से किसानों की चिंता अब कहीं ना कहीं बहुत बढ़ गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की सीरीज खेल रही है। पहला मुकाबला मोहाली में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। तो वहीं दूसरा मुकाबला रविवार को देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में खेला जाएगा। इंदौर मेजबान और मेहमान दोनों टीमों को दावत देने के लिए तैयार है। आज शाम तक दोनों टीम इंदौर पहुंचेंगी। दूसरे मैच में भी भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। टीम कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बिना ही उतरेंगी, लेकिन भारतीय टीम सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी कमाल कर रही है। दूसरे मुकाबले के लिए इंदौर तैयार है, लेकिन दूसरे वनडे में मैच में बारिश का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए स्टेडियम में सपोर्टिंग पिच तैयार है। अगर मध्यम दर्जे की बारिश हुई तो 1 घंटे में मैदान सूख जाएगा। क्या है वहां की स्थिति, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। तो महामुकाबला कल होने जा रहा है, रविवार के दिन यह मुकाबला होगा यानी कि कल, और उसको लेकर के आज शाम को टीमें पहुंचेंगी इंदौर, स्वच्छ शहर इंदौर में पहुंचने वाली है। खास तैयारियां हो चुकी हैं, फैंस में बहुत ज्यादा उत्साह है, क्रिकेट प्रेमियों में बहुत ज्यादा उत्साह है और आज शाम को टीम पहुंचेगी। मौसम का मिजाज जो है लगातार बदल रहा है और कहीं ना कहीं ये चिंता भी सता रही है कि कल इतना महामुकाबला होने जा रहा है, बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, कि ऐसा तो नहीं होगा कि खलल डाल दे बारिश। और अब आपको दिखाते हैं कि ऐसी तस्वीर जो आपके मन को लुभा जाएगी। जी हाँ, ये नजारा है जगदलपुर का चित्रकोट जलप्रपात, जिसे मिनी नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। ये वाटरफॉल इस समय अपने पूरे शबाब पर है और ये सतरंगी रोशनी से नहाया हुआ है। दरअसल ये तस्वीरें लाइटिंग सिस्टम के फाइनल इंस्टॉलेशन की हैं। 980 फीट चौड़ा और करीब 98 फीट ऊंचा ये देश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आकार में घोड़ी के नाल की तरह होने की वजह से इसे भारत का मिनी नियाग्रा भी कहा जाता है। बस्तर में स्थित ये जलप्रपात भारत के 6 भौगोलिक विरासतों वाले जलप्रपात में से एक है। 90 फीट की ऊंचाई से तेज गर्जना के साथ इंद्रावती नदी का पानी गिरता है। इस खूबसूरत जलप्रपात को देखने पर्यटक 7 समंदर पार से भी आते हैं।
छतरपुर के खजुराहो में G20 समिट में शामिल होने आए विदेशी मेहमानों को बुंदेली संस्कृति ने इतना प्रभावित किया कि वो बुंदेली नृत्यों पर ठुमके लगाते हुए नजर आए। दरअसल G20 देशों के मेहमानों के लिए विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कलाकार मंच से बुंदेली संस्कृति के परंपरागत नृत्य और गायन कर रहे थे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।